एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोएट हैं जो 1830 में पैदा हुई थी और जिनका निधन 1886 में हो गया था। आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस 49। यह एमिली डिकिंसन की एक छोटी कविता है जैसा कि वे छोटी कविताएं लिखती थीं। यह कविता भी डेथ पोएट्री सी है, यानी इस कविता पर मृत्यु की छाया है, जैसे डिकिंसन की कविताओं में प्रायः होता है। एमिली डिकिंसन के दो प्रीसेप्टर्स थे और उन प्रीसेप्टर्स से उनका वियोग हो गया था। एक प्रीसेप्टर बेंजामिन न्यूटन थे जो उनके जीवन में पहले आए थे और उनका निधन हो गया था। दूसरे प्रीसेप्टर चार्ल्स वैर्ड्सवर्थ थे और उनका भी एमिली से विलगाव हो गया था। तो एमिली डिकिंसन की इस छोटी करुण तथा महत्वपूर्ण कविता को पढ़ते हैं। आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस का अर्थ है कि मैंने कभी भी इतना नहीं खोया जितना कि दो बार मैंने खोया है, यानी दो बार मैंने सब कुछ खो दिया है। आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस एंड दैट वॉज इन द सॉर्ड। ट्वाइस हैव आई स्टूड अ बिगर बिफोर द डोर ऑफ गॉड, एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग रीइम्बर्स्ड माई स्टोर, बर्गलर बैंकर फादर आई एम पुअर वंस मोर। तो शॉर्ट का अर्थ होता है जमीन की ऊपरी भाग, टर्फ, जहाँ घास उगती है। आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस, यानी दो बार मेरा बहुत खोया है, बहुत मेरी हानि हुई है, दो बार मैंने बहुत कुछ खोया है। एंड दैट वॉज इन द सॉर्ड, मैं जमीन पर आ गई हूँ, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। ट्वाइस हैव आई स्टूड अ बिगर बिफोर द डोर ऑफ गॉड, दो बार जब मेरा सब कुछ खो गया है तो मैं ईश्वर के दरवाजे पर एक भिखारी की तरह प्रार्थना करने पहुंची हूँ। एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कृपा करना, तो दो बार एंजल्स ने, देवदूतों ने मेरे ऊपर कृपा की है। रीइम्बर्स्ड माई स्टोर, और उन्होंने मेरी क्षतिपूर्ति कर दी है, रिम्बर्स कर दिया है। बर्गलर बैंकर फादर आई एम पुअर वंस मोर, लेकिन मैं एक बार फिर सब कुछ खो चुकी हूँ, तो फादर गॉड भगवान ईश्वर तुम मेरे लिए बर्गलर हो, मेरा सब कुछ तुमने चुरा लिया है, तुम बैंकर हो और मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। तो इसको और ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। एमिली डिकिंसन 1830-1886। आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस, अ डेथ पोयम शॉर्ट, द सर्फेस ऑफ ग्राउंड विद ग्रास ग्रोइंग ऑन इट, टर्फ, यानी भूमि की जो सतह होती है जिस पर घास उग रही होती है उसे शॉर्ट कहते हैं। गॉड बर्गलर बैंकर फादर, ईश्वर के लिए बर्गलर बैंकर फादर का प्रयोग किया है। प्रीसेप्टर्स, इनके दो गुरु थे, प्रीसेप्टर थे बेंजामिन न्यूटन, चार्ल्स वैर्ड्सवर्थ। डिकिंसन प्लीड्स डायरेक्टली विद गॉड स्टेटिंग हर कंप्लेंट एंड सीकिंग रिड्रेसल, यानी वे सीधे ईश्वर से
प्रार्थना करती हैं सीधे ईश्वर से, विनय करती हैं कि उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, उनकी प्रार्थना सुनी जाए। इट इज वेहेमेंट इन टोन एंड मूवमेंट एज दो द स्पीकर वुड नॉट कीप क्वाइट अंटिल जस्टिस इज डन। देयर इज अ पैथेटिक इंटेंसिटी। तो ये कविता जो है इसमें भावनाओं की तीव्रता है, शिद्दत है, और जब तक न्याय नहीं किया जाता है तब तक कवि पोएट चुप नहीं रहेगी। एक इसमें बहुत ही ज़्यादा करुण तीव्रता है, पैथेटिक इंटेंसिटी है। द रियलाइजेशन दैट इवन गॉड वुड नॉट बी एबल टू स्टोर द डेड टू द लिविंग इज रियली हार्ट रेंडिंग। तो इस बात को महसूस करना कि यहाँ तक कि ईश्वर भी सक्षम नहीं है, वुड नॉट बी एबल टू, सक्षम नहीं है कि मृत को, द डेड, वो उसे जीवित कर सके, उसे वापस कर सके। तो ये चीज हृदय को, हृदय विदारक है, हार्ट रेंडिंग है कि मृत्यु एक अनिवार्य सा सच है। धन्यवाद, थैंक यू।